हेलो एंड वेलकम टू स्टारफिश ट्रैवल कॉर्पोरेशन। मेरा नाम यशदीप मलिक है। तो हमने लास्ट टाइम आपको एक वीडियो में बताया था कि कौन से ऐसे शेंगेन कंट्रीज़ हैं जिनके स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेट है, लेकिन ये भी जानना उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से शेंगेन कंट्रीज़ हैं जिनका रिजेक्शन और रिफ्यूज़ल रेट सबसे ज़्यादा है। आप में से काफ़ी सारे दर्शक ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हम अपना रिकॉर्ड नहीं ख़राब करना चाहते, तो ऐसे कौन से देश हैं जिसमें वीज़ा लगाते हुए हम थोड़े से ज़्यादा केयरफुल रहें, डॉक्यूमेंट्स को लेके, सारी चीज़ों को लेके थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से हम उसकी वीज़ा की फ़ाइल बनाएं। तो ये जो हम आपको डाटा बताने वाले हैं ये 2018 का है। अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और कोई क्वेश्चन कंसर्न होने पर आप कमेंट में उसे मेंशन कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो पहला देश जिसके सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेट है इंडिया के अंदर वो है लाटविया। तो लाटविया के न्यू दिल्ली काउंसलेट का रिफ्यूज़ल रेट पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। लाटविया के दिल्ली काउंसलेट ने 1873 एप्लीकेशंस को रिसीव किया, जिसमें से 998 एप्लीकेशंस को अप्रूव किया गया और 843 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया, जिसका मतलब था रिजेक्शन रेट इज़ 45% और अप्रूवल रेट था सिर्फ 55%। नंबर टू, एस्टोनिया। एस्टोनिया के न्यू दिल्ली काउंसलेट ने 2425 एप्लीकेशंस को रिसीव किया, जिसमें से 1527 एप्लीकेशंस को अप्रूव किया गया और 898 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसका मतलब था अप्रूवल रेट था 63% लेकिन रिजेक्शन रेट था 37%। नंबर थ्री, लिथुआनिया काउंसलेट न्यू दिल्ली। अगेन, लिथुआनिया के न्यू दिल्ली काउंसलेट ने 1007 एप्लीकेशंस को रिसीव किया, जिसमें से 659 एप्लीकेशंस को अप्रूव किया गया और 345 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया, जिसका मतलब था अप्रूवल रेट इज 66% लेकिन रिजेक्शन रेट 34%। नंबर फोर, माल्टा काउंसलेट न्यू दिल्ली। माल्टा के न्यू दिल्ली काउंसलेट ने 3539 एप्लीकेशंस को रिसीव किया, जिसमें से 2682 एप्लीकेशंस को अप्रूव किया गया और 809 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया, जिसका मतलब था रिजेक्शन रेट था 23% और अप्रूवल रेट था 77%। नंबर फाइव, चेक रिपब्लिक काउंसलेट न्यू दिल्ली। अगेन, चेक रिपब्लिक के न्यू दिल्ली काउंसलेट ने 26683 एप्लीकेशंस को रिसीव किया, उसमें से 20449 एप्लीकेशंस को अप्रूव किया गया और 6219 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया, जिसका मतलब था रिजेक्शन रेट था 23% और अप्रूवल रेट था 77%। नंबर सिक्स, पोलैंड काउंसलेट न्यू दिल्ली। अगेन, देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि न्यू दिल्ली के काउंसलेट्स में इतने ज़्यादा रिजेक्शन हैं। एक्चुअल में क्या है कि नॉर्थ इंडिया का बल्क ऑफ एप्लीकेशंस न्यू दिल्ली में ही आता है और काफ़ी ज़्यादा फाइलिंग में सिली मिस्टेक्स होने की वजह से भी वो एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ की जाती हैं, क्योंकि बल्क ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारा वो नॉर्थ इंडिया में ही लोकेटेड है और यहीं पर ही सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन, सबसे बिजी काउंसलेट्स न्यू दिल्ली के ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रिजेक्शन रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फाइलिंग में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, कभी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कभी फाइलिंग प्रॉपर नहीं बनाई जाती है, तो उसकी वजह से रिजेक्शन रेट हो जाता है। इसके एक्चुअल में क्या रीजंस होते हैं उसके लिए हम अलग से कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो पोलैंड के न्यू दिल्ली काउंसलेट ने 4814 एप्लीकेशंस को रिसीव किया, जिसमें से 3644 एप्लीकेशंस को वीज़ा मिल गए और 970 एप्लीकेशंस के वीज़ा रिजेक्ट हो गए, यानी अप्रूवल रेट था 79% और रिजेक्शन रेट था 21%। नंबर सेवन, इटली काउंसलेट न्यू दिल्ली। इटली के न्यू दिल्ली काउंसलेट ने 39029 एप्लीकेशंस को रिसीव किया, जिसमें से 31204 एप्लीकेशंस के वीज़ा अप्रूव किए गए और 7825 एप्लीकेशंस के वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए, यानी रिफ्यूज़ल रेट था 20% और अप्रूवल रेट था 80%। नंबर एट, स्लोवेनिया काउंसलेट न्यू दिल्ली। स्लोवेनिया के न्यू दिल्ली काउंसलेट ने 2630 एप्लीकेशंस को रिसीव किया, जिसमें से 2132 एप्लीकेशंस के वीज़ा अप्रूव कर दिए गए और 498 एप्लीकेशंस के वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिए गए, यानी अप्रूवल रेट था 81% और रिफ्यूज़ल रेट था 19%। नंबर नाइन,
पुर्तगाल, यानी पुर्तगाल। तो पुर्तगाल के न्यू दिल्ली काउंसुलेट ने 7,940 एप्लीकेशंस को रिसीव किया, जिसमें से 6,474 एप्लीकेशंस को वीजा मिल गए और 1,466 एप्लीकेशंस के वीजा रिजेक्ट हो गए, जिसका मतलब था अप्रूवल रेट था 81% और रिफ्यूजल रेट था 19%। नंबर 10, फ्रांस काउंसुलेट न्यू दिल्ली। फ्रांस के न्यू दिल्ली काउंसुलेट ने 71,252 एप्लीकेशंस को रिसीव किया, जिसमें से 59,883 एप्लीकेशंस को वीजा मिल गए और 10,671 एप्लीकेशंस को वीजा रिजेक्ट कर दिया गया, यानी अप्रूवल रेट था 85% और रिफ्यूजल रेट था 15%। नंबर 11, नॉर्वे काउंसुलेट न्यू दिल्ली। नॉर्वे के न्यू दिल्ली काउंसुलेट ने 18,499 एप्लीकेशंस को रिसीव किया, जिसमें से 15,886 एप्लीकेशंस के वीजा अप्रूव कर दिए गए और 2,613 एप्लीकेशंस को रिफ्यूज कर दिया गया। इसका मतलब था कि रिफ्यूजल रेट था 14% और अप्रूवल रेट था 86%। नंबर 12, हंगरी काउंसुलेट न्यू दिल्ली। हंगरी के न्यू दिल्ली काउंसुलेट ने 9,795 एप्लीकेशंस को रिसीव किया, जिसमें से 8,446 एप्लीकेशंस के वीजा अप्रूव हुए और 1,349 एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी गई। इनका भी अप्रूवल रेट था 86% और रिजेक्शन रेट था 14%। नंबर 13, नीदरलैंड्स काउंसुलेट न्यू दिल्ली। नीदरलैंड्स के न्यू दिल्ली काउंसुलेट ने 29,114 एप्लीकेशंस को रिसीव किया, जिसमें से 24,999 एप्लीकेशंस के वीजा अप्रूव किए गए और 3,932 को रिजेक्ट कर दिया गया। इनका भी अप्रूवल रेट था 86% और रिजेक्शन रेट था 14%। नंबर 14, बेल्जियम काउंसुलेट न्यू दिल्ली। बेल्जियम के न्यू दिल्ली काउंसुलेट ने 7,117 एप्लीकेशंस को रिसीव किया, जिसमें से 6,052 एप्लीकेशंस को वीजा दिए गए और 888 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया। इनका अप्रूवल रेट था 87% और रिजेक्शन रेट था 13%। नंबर 15, फ्रांस एंड काउंसुलेट मुंबई। फ्रांस के मुंबई काउंसुलेट ने 69,646 एप्लीकेशंस को रिसीव किया, जिसमें से 60,997 एप्लीकेशंस के वीजा अप्रूव किए गए और 8,197 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया, जिसका अप्रूवल रेट था 88% और रिजेक्शन रेट था 12%। नंबर 16, इटली काउंसुलेट कोलकाता। इटली के कोलकाता काउंसुलेट ने 8,938 वीजा एप्लीकेशंस को रिसीव किया, जिसमें से 7,927 को वीजा दे दिए गए और 1,011 एप्लीकेशंस के वीजा रिजेक्ट कर दिए गए, यानी अप्रूवल रेट था 89% और रिजेक्शन रेट था 11%। नेक्स्ट है पोर्चुगल काउंसुलेट गोवा। तो पोर्चुगल के गोवा काउंसुलेट ने 3,193 एप्लीकेशंस को रिसीव किया, जिसमें से 2,860 एप्लीकेशंस के वीजा अप्रूव कर दिए गए और 333 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसका मतलब था कि अप्रूवल रेट था 90% और रिजेक्शन रेट था 10%। तो ये थे वो सारे देश जो फिलहाल एज ऑफ नाउ आंकड़ों के हिसाब से थोड़े से टफ हैं, जिनका रिजेक्शन रेट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है। यानी अगर आप इन देशों में अपनी वीज़ा फाइल लगा रहे हैं तो थोड़ा सा और ध्यान से लगाएं, और इन्हीं कौंसुलेट जैसे दिल्ली का है, कोलकाता का है, मुंबई का है या गोवा का है, तो उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा आप उसको ध्यान में रखें। बहुत ही जल्द हम आपके पास ऐसा डाटा लेकर आएंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में कौन सा ऐसा शेंगेन देश है जिसका अप्रूवल रेट सबसे ज़्यादा है और मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। सेम यही डाटा कोलकाता, लुधियाना, गोवा, चेन्नई, बैंगलोर, अलग अलग जितने भी देश में जितने भी काउंसुलेट हैं उसके हिसाब से हम R&D इस पे कर रहे हैं और बहुत ही जल्द ये डाटा आप तक लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये समझने में आसानी हुई होगी कि कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर वीज़ा लगना थोड़ा सा मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर वीज़ा नहीं लगते हैं, ऑफकोर्स लगते हैं अगर आपकी फाइलिंग अच्छे से हो, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।